हाय गाइस, स्वागत है आपका सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के लर्निंग डिजिटल क्लास में। मैं दिनेश कुमार आप सबों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया है फ्यूज, जिसके बारे में शायद आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे। इस शब्द से आप सब बहुत पहले से परिचित होंगे, लेकिन इसकी विशेषता, इसके परिचय, आवश्यकता, किस्म एवं सावधानियां, इन सभी को डिटेल से बताने के लिए हम लोग आज जानेंगे कि फ्यूज क्या है। फ्यूज की परिचय सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे, किसी परिपथ की कमजोर हिस्सा को हम फ्यूज कहते हैं। कमजोर यानी भाग, इसकी प्रतिरोध बाकी सर्किट से, बाकी परिपथ से कम होती है। क्या होते हैं? फ्यूज के प्रतिरोध बाकी सर्किट से कम होते हैं। इसे हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि फ्यूज कभी भी हम लोग किसमें ना संयोजित करें, न्यूट्रल में। इसे जब भी हम संयोजित करते हैं फ्यूज को, किसमें करते हैं? फेज में। किसमें करते हैं? फेज में, फेज के श्रेणी क्रम में। फेज के हम लोग किसमें करते हैं? श्रेणी क्रम में। किसको संयोजित करते हैं? फ्यूज को। ठीक, तो बता देना चाहेंगे कि फ्यूज बना किसका होता है। तो फ्यूज मुख्यतः तीन प्रकार से बने होते हैं। पहला फ्यूज वायर मुख्यतः तीन प्रकार के बने होते हैं। पहला कहते हैं चांदी के, दूसरा जो होते हैं वो होते हैं कॉपर के, और तीसरा टीन और लेड के। कौन कौन से मेटल के बने होते हैं? तो पहला चांदी के, दूसरा कॉपर के, और तीसरा टीन और लेड के। ये तीन प्रकार के फ्यूज वायर होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? तीन प्रकार के। परंतु चांदी विद्युत की बहुत अच्छा चालक है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कॉपर भी विद्युत के अच्छे चालक है और इसका भी प्रतिरोध कम होते हैं। टीन भी विद्युत के बहुत अच्छे चालक है, सीसा भी विद्युत के बहुत अच्छे चालक है, और इन सभी का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं। इन सभी का प्रतिरोध क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। इसलिए प्रयोग हम लोग चांदी, कॉपर या टीन और लेड के कर सकते हैं। लेकिन चांदी महंगी धातु है, इसलिए हर जगह फ्यूज के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कॉपर का भी प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता है, लेकिन हर जगह, चाहे घर, कंपनी, फैक्ट्री आदि, कल कारखाने, कहीं भी आप चले जाएं, वहां पर ये फ्यूज आपको मिल जाएंगे। इसका तार टीन और लेड के बने होते हैं, जिसमें टीन की मात्रा 63% और लेड की मात्रा कितना हो गया इधर 37%। कितना कितना होते हैं? 63% और 37%। टीन 63% और लेड 37%। इन दोनों के मिश्रण से जो तैयार तार होते हैं, इन दोनों के मिश्रण से जो तार का निर्माण होता है, उसे हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। इसका गलनांक पूरे परिपथ से कम होता है। जानेंगे कि जब हम लोग घर में कोई भी डिवाइस चलाते हैं, तो कई बार शॉर्ट सर्किट या अन्य कई घटनाओं के कारण से परिपथ में अधिक धारा प्रवाह होने लगते हैं, और जब अधिक धारा प्रवाह होने लगते हैं तो उस समय कई डिवाइस खराब होने की संभावना बनी होती है। तो वैसे स्थितियों में हमारे घर की सुरक्षा एवं घरों की सभी डिवाइस की सुरक्षा, उपकरण की सुरक्षा का केवल एकमात्र साधन है, और उस साधन का ही नाम है फ्यूज। क्योंकि जब कभी
परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसके उपरांत फ्यूज वायर गर्म हो जाते हैं, मतलब टीन और लेड के जो मिश्रण से बने हुए हैं वायर वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के उपरांत पिघल जाते हैं, जिससे घर की सारी डिवाइसें सुरक्षित रह जाते हैं। मतलब हम लोग समझ गए कि यदि फ्यूज घर में लगाया जाए तो घर में अगर अनियमितता के कारण किसी भी परिस्थितियों में अधिक करंट का बहाव होगा तो हमारे घर को सुरक्षित रख सकता है, और वो कौन है तो फ्यूज ही हमारे घर को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। फ्यूज की आवश्यकता क्यों हुई, आखिर क्या जरूरत है फ्यूज लगाने की, तो जैसा कि अभी अभी हमने डिफिनेशन में बताया कि किसी भी उपकरण की सुरक्षा का युक्ति है फ्यूज, किसी भी उपकरण की सुरक्षा युक्ति फ्यूज है, और फ्यूज के माध्यम से किसी भी परिपथ में हम फ्यूज को संयोजित करके उस पूरे परिपथ की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगर हम फ्यूज ना लगाएं तो कई बार क्या होते हैं ना कि हमारे घर की सारी डिवाइस खराब हो सकते हैं, परंतु अगर हमारे घर में फ्यूज लगे हैं तो कोई भी डिवाइस खराब नहीं होगा। अगला है फ्यूज की किस्म। फ्यूज मुख्यतः तीन प्रकार के बने होते हैं। फ्यूज मुख्यतः तीन प्रकार के बने होते हैं। तो पहला है बंद फ्यूज, दूसरा है सेमी ओपन फ्यूज, और तीसरा है ओपन फ्यूज। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, पहला बंद फ्यूज, दूसरा सेमी ओपन फ्यूज और तीसरा ओपन फ्यूज। हम लोग देख सकते हैं कई जगह बंद फ्यूज का प्रयोग किए जाते हैं। किसका प्रयोग किए जाते हैं, बंद फ्यूज का, जैसे इन्वर्टर, स्टेबलाइजर आदि में हम लोग बंद फ्यूज का प्रयोग करते हैं, जो एक शीशे के अंदर पैक रहते हैं, एक कांच के अंदर पैक रहते हैं, और उसमें फ्यूज वायर के रूप में चांदी का प्रयोग किया जाता है, उसमें फ्यूज वायर के रूप में चांदी का प्रयोग किया जाता है। किसमें, बंद फ्यूज में, जिसका रूप हम लोग कह सकते हैं कार्टिज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज। अगर बंद की हम बात कर लें तो ये भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, और दूसरा एचआरसी फ्यूज, पहला कार्टिज फ्यूज और दूसरा एचआरसी फ्यूज, और दोनों कांच के अंदर ही पैक होते हैं, लेकिन इन दोनों में की विशेषता होती है, जैसे कार्टिज फ्यूज जनरली प्रयोग किए जाते हैं, इसकी सहनशीलता नहीं होती है, जैसे ही ज्यादा धारा प्रवाह होंगे वैसे ही कार्टिज फ्यूज पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद उसमें धुआं भर जाते हैं, काला दिखने लगते हैं, और हमें पता चल जाता है, हमें सूचना मिल जाता है कि हमारा फ्यूज खराब हो चुका है। परंतु एचआरसी फ्यूज कुछ समय तक अधिक धारा को भी वहन करता है, अधिक लोड को भी सह सकता है, परंतु अगर लंबे समय तक ज्यादा धारा का हम लोग प्रवाह करेंगे या किसी कारण से ज्यादा धारा का प्रवाह लंबे समय तक होती है तभी जाकर एचआरसी फ्यूज खराब होते हैं, यानी वो पिघलते हैं, इसलिए दोनों की अलग अलग विशेषता है। अगला हम जानेंगे सेमी ओपन टाइप की, जिसमें आते हैं किटकैट फ्यूज आते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी ओपन टाइप। जैसा कि आप सबों ने घर में देखा होगा कि हर बोर्ड में एक फ्यूज लगे होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में फ्यूज वायर लगे होते हैं और एक पार्ट में लोड एवं सप्लाई स्रोत जुड़े रहते हैं, और उन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए दूसरे पार्ट का प्रयोग किया जाता है, उस फ्यूज का ही नाम है किटकैट फ्यूज।
उस फ्यूज का नाम क्या है, किटकैट फ्यूज, जिसका प्रयोग आज आम तौर पर किया जाता है घरों में। आम तौर पर प्रयोग होने वाला अगर फ्यूज है, एकदम साध्य रूप से हम समझ सकते हैं कि ज्यादा प्रयोग होने वाला फ्यूज अगर है तो वो है सेमी ओपन टाइप फ्यूज, इसका प्रयोग आज सबसे अधिक होती है। तीसरा है ओपन टाइप फ्यूज। ओपन मतलब खुला, जैसे कि आप लोगों ने 11000 से ट्रांसफार्मर को जोड़ते हुए देखा होगा, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि इधर से सप्लाई स्रोत आती है और इधर से ट्रांसफार्मर की टर्मिनल आती है, और इसके बीच हमने क्या किया, केवल एक फ्यूज कनेक्ट कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं ओपन फ्यूज, बिल्कुल खुला मतलब खुला फ्यूज। इस फ्यूज में हम लोगों को कई बार नुकसान भी होते हैं। इस फ्यूज को हम लोग जब इस फ्यूज पर जब हम लोग कार्य करते हैं तो इसे शॉर्ट सर्किट या और भी कई घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इसका प्रयोग कुछ निश्चित जगहों पर ही किया जाता है। इसका प्रयोग ओपन फ्यूज का प्रयोग कुछ निश्चित जगहों पर ही किया जाता है, अन्यथा सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली सेमी ओपन फ्यूज, उसके बाद बंद फ्यूज, और बंद फ्यूज में भी कार्टिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज, बंद फ्यूज में भी कार्टिज फ्यूज और एचआरसी फ्यूज। जैसे कि कार्टिज फ्यूज का वैल्यू 2 एम्पियर से 32 एम्पियर तक होता है। अगर कार्टिज फ्यूज का हम लोग प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो फ्यूज होते हैं इसका चयन कैसे करते हैं। तो फ्यूज का चयन हम लोग धारा के मान से करते हैं। फ्यूज का चयन हम लोग धारा के मान से करते हैं कि हम कितना धारा प्रवाह कर रहे हैं, हमारा लोड जो है वो कितना धारा का वहन करती है। अगर धारा उच्च होंगे तो फ्यूज की वैल्यू भी उच्च होगी, और अगर फ्यूज की वैल्यू उच्च होगी तो उसमें लगने वाला वायर की मोटाई भी अधिक होगी, और अगर धारा वहन की क्षमता कम होगी तो उसमें लगने वाले वायर की मोटाई कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार कार्टेज फ्यूज जो होते हैं वो 2 एम्पियर धारा से 32 एम्पियर तक के लिए तैयार किए जाते हैं। किससे कितने तक, 2 एम्पियर से 32 एम्पियर तक। और अगला है एचआरसी फ्यूज का प्रयोग हम लोग 32 एम्पियर से 500 एम्पियर तक करते हैं। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग 32 एम्पियर से कहां तक कर सकते हैं, 500 एम्पियर तक कर सकते हैं। ये तो चलिए हम लोग जान गए, कार्टिज फ्यूज का प्रयोग हम लोग बोर्ड पर नहीं करते हैं, एचआरसी फ्यूज का प्रयोग भी हम लोग बोर्ड पर नहीं करते हैं, लेकिन सेमी ओपन फ्यूज का तो प्रयोग हम लोग बोर्ड पर करते हैं, हर घर में करते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि 1.5 एम्पियर से इसको हम लोग देखते हैं 1.5 एम्पियर से इसको हार्डली 101 एम्पियर तक उपयोग किए जाते हैं। सेमी ओपन फ्यूज का जो करंट रेटिंग है वो कितनी है, मात्र 1.5 एम्पियर से 101 एम्पियर तक की धारा की वहन क्षमता रखता है सेमी ओपन टाइप के फ्यूज। आप लोग देखे भी होंगे कि ट्रांसफार्मर से आगे 100 एम्पियर के, 99 एम्पियर के, 90 एम्पियर के या 65 एम्पियर के, इस प्रकार से फ्यूज आवश्यकता अनुसार हम लोग लगाते हैं, और घरों में भी हम लोग प्रयोग करते हैं 5 एम्पियर। जनरली जो फ्यूज प्रयोग करते हैं घर में 5 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर, अपने अपने घर की लोड के अनुकूल हम लोग फ्यूज का चयन कर लेते हैं कि हमें कौन सी फ्यूज की आवश्यकता है। आज हम लोग जाने कि फ्यूज होती क्या है, फ्यूज का कार्य कैसा है, और फ्यूज का चयन हम लोग कैसे कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।